हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कर्नाटका एक्वेरियम चैनल। आज मैं आपको काफी रेयर रोडेंट लेके आया हूँ बताने के लिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ ना कुछ नया देखना चाहते हैं, या मुझे भी पता है और कमेंट पढ़ के भी पता लगता है कि काफी रेयर एनिमल्स आप लोग देखना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का एनिमल, अफ्रीका का एनिमल, रशिया, इजिप्ट वगैरह का सबका बता दिया हूँ। और मैं अभी लेके आया हूँ आपको कजाकिस्तान का एनिमल, जो कैंगरो को बिलोंग करता है। आप उसको कैंगरो को एकदम जोड़ नहीं सकते, लेकिन कैंगरो की तरह दिखने वाला रैट है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कैंगरो रैट, तो जो आपको मैं रैट बताने वाला हूँ उसका नाम है जर्बोवा। तो ये काफी रेयर रैट है और हमारे इंडिया में जो है वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आया हुआ है और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। हमारे पास आया अभी जर्बोवा रैट, तो इसको आप देख सकते हैं फुल्ली टेम्ड है और बहुत ही प्लेफुल है। आप इसको अगर घर पे रखना चाहते हैं तो घर पे भी रख सकते हैं। जैसे तो ये आप जर्बोवा देख सकते हैं, ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है। आप इस ये फुल्ली टेम्ड है, ऐसा काटने वाला तो है नहीं। आप इधर देख सकते हैं इस गैप में, तो काफी ब्यूटीफुल रोडेंट बोल सकते हैं आप इसको। तो जैसा आप लोगों ने देखा अभी जर्बोवा रैट जो है हमारे हाथ में नहीं लग रहा था, इस वजह से हमने उसको उठा के एक्वेरियम में डाल दिया है। आप इधर इसका नेचुरल जैसे ये रहता है, ये एक्चुअल में सैंड में ही रहता है, बिकॉज ये डेजर्ट प्लेस से बिलोंग करता है एनिमल, और इतनी गर्म जगह से बिलोंग करता है कि जिस जगह पे अगर पीने के लिए इसको पानी की भी जरूरत हो तो वो अवेलेबल नहीं रहता है, उतनी गर्म जगह से बिलोंग करता है। प्लस जब ये ठंडी होती है तो ये बिल्कुल हाइबरनेशन में चला जाता है। जैसे अगर सोएगा तो समझिए ऑलमोस्ट 3-4 महीना, जब तक बर्फ नहीं पिघल जाती, जब से फिर से इसका नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं आता तब तक ये बाहर नहीं निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं जर्बोवा रैट अभी हमारे पास ये भी अवेलेबल है, और हम लोग इसको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल करा देंगे। प्लस इसका जो डाइट है वो डाइट हम लोग इसको देते हैं सनफ्लावर शीट्स और जो भी शीट्स वगैरह आते हैं जैसे बर्ड्स को देते हैं, और ड्राई फ्रूट्स और पैलेट्स, तो हम लोग इसको ये मिक्स करके देते हैं। और इसको कोई भी जैसा कि वेट फूड हो गया ऐसा सब नहीं देना चाहिए। तो अगर इसकी पानी की जरूरत हम लोग पूरी करते हैं तो इसको कैक्टस देते हैं और लेटूस देते हैं, और ये ज्यादातर कैक्टस के जो पेड़ के अंदर जो जड़ वगैरह आते हैं, जमीन के अंदर जो रहते हैं, उसको वो खोद के और उसको पानी, मतलब उसकी जड़ वगैरह खाके ये अपनी पानी की जरूरत को पूरी करता है। और काफी इंटेलिजेंट एनिमल भी इसको आप बता सकते हैं, और इसकी जो लाइफ है वो 4 साल है। अगर आप नॉर्मल सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको 4 से 6 साल तक के लगेगी, और ये कैप्टिव ब्रीड में 10 साल तक लोगों के पास सर्वाइव करके है। और ये काफी अच्छे ब्रीड भी करते हैं, जैसे रैट रोडेंट वगैरह जैसे ब्रीड करते हैं उस तरीके से ये ब्रीड भी करते हैं, और घर पे रखने के लिए एज अ पेट, क्योंकि हैमस्टर रैट और ये सब रैबिट वगैरह तो ये काफी पुराना ये हो गया है आपका। तो अभी आपके पास अभी जर्बोवा है कुछ नया, जैसे कि आपको कुछ नया पेट खरीदना है या फिर नया पेट रखना है, तो ये काफी ब्यूटीफुल एनिमल है और इसका काफी अच्छा आप लोग सेटअप बना सकते हैं। लेकिन इसको सेटअप बनाने के लिए काफी स्पेस देनी पड़ती है, बिकॉज ये काफी अच्छा प्लेफुल एनिमल है, जंपिंग करता है और काफी हाइट तक भी जंप करता है। अभी जब मैं इसको पकड़ रहा था तो ये ऑलमोस्ट इतनी हाइट तक जंप कर लिया है, ऑलमोस्ट समझिए 2.5 फीट तक के ये जंप कर रहा है अभी मेरे आंख के सामने। तो इसको काफी बड़ा इंक्लोजर की जरूरत है। तो इसका कान जो है ऐसा बनाया गया है कि अगर ये गर्मी में अपने बॉडी को कोल्ड करना चाहता है तो कोल्ड भी कर सकता है, अगर इस गर्मी से खुद को बचाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आप ये अभी इधर देख सकते हैं कि कैसे सो रहा है, ये अभी तो फिलहाल सो रहा है, और इधर आप देख सकते हैं एकदम शार्प एनिमल है। अगर इसको थोड़ा भी सेंस हो रहा है कि हाँ ये कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो ये अपने आप में एकदम शार्प हो जाएगा। प्लस आप इसकी टेल देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल टेल है और कितनी लॉन्ग है। तो ये जर्बोवा में ऑलमोस्ट 30 वेरियंट्स ऑफ वैरायटी है जर्बोवा में, तो हमारे पास अभी फिलहाल एक वैरायटी है, और आने वाले दिनों में आपको काफी सारे वैरायटीज जर्बोवा के भी दिखाएंगे और अदर एनिमल्स के भी दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसे ही हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना मोटिवेशन देते रहेंगे, तो उससे ज्यादा हम आपको एनिमल दिखाते रहेंगे। तो अगले वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।